हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन फिल्मी तड़का पर। दोस्तों, आई नो आप सभी को साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, और इसीलिए आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ साउथ की टॉप 5 बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म्स, जो हिंदी में डब्ड है और आप इन्हें यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल मूवीज की एक इम्पोर्टेंट बात जरूर होती है कि इन मूवीज में एंड तक सस्पेंस बना रहता है, तो ये मूवीज आपको एंड तक इंगेज रखती है। तो ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर एक पर है 2014 में रिलीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी माया, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 out of 10 और 84% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है। और इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें हर्षवर्धन राणे, अवंतिका मिश्रा, सुषमा राज के साथ साथ और भी कई स्टार नजर आएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो मेघना एक टीवी रिपोर्टर होती है जिसे एक एक्स्ट्रा सेंस ऑफ परसेप्शन यानी ESP सिंड्रोम है, जिससे कि वो फ्यूचर को पहले ही देख लेती है। एक दिन वो सिद्धार्थ, जो एक फैशन डिजाइनर है, उससे मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब मेघना फ्यूचर में होने वाले एक ऐसी घटना को देख लेती है जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आखिर मेघना ने ऐसा क्या देखा, क्या वो फ्यूचर को बदल सकती है? इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो मूवी आप जरूर देखें। मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको एंड तक इंगेज रखेगी, सो डू वॉच। एंड इस मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नंबर दो पर है 2011 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की, जिसके IMDb रेटिंग स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन 82% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो हिंदी में भी सेम नाम से डब की गई है। इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो जगपति बाबू के साथ साथ और भी कई स्टार नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी में एक ही जॉब के लिए 9 लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उन्हें जवाब के बदले सवाल ढूंढने पड़ते हैं। अब आगे स्टोरी में इस सवाल को कौन ढूंढ पाता है और इस चक्कर में इन 9 लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, यही देखने के लिए मूवी जरूर देखिएगा। और ये मूवी आपको एंड तक जरूर एंगेज रखेगी और मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नंबर तीन पर है 2016 में रिलीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक्शन मूवी शैतान, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 out of 10 एंड 85% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। ये एक तमिल लैंग्वेज मूवी है। इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें विजय एंटोनी, अरुंधति नायर के साथ साथ और भी कई स्टार नजर आएंगे। बात करें स्टोरी की तो इसमें दिनेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो एक नॉर्मल होममेकर ऐश्वर्या से शादी करता है और हैप्पीली रहने लगता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शादी के कुछ दिनों बाद दिनेश को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे खुद का ही मर्डर करने को कहती है, और ऐसी अजीब सिचुएशन उसे फ्रस्ट्रेट करने लगती है और रियलिटी से दूर ले जाने की कोशिश करती है, जिसके चक्कर में उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो आखिर इस आवाज का क्या राज है, दिनेश के साथ ये सब कैसे जुड़ा हुआ है, क्या वो इस वियर्ड सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए मूवी को जरूर देखें। मूवी फुल ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल है और मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर चार पर है 2016 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम मूवी कुट्टा में ठंडा नाई, जिसे हिंदी में लायन शिवा के नाम से डब किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7 out of 10 और 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। ये तमिल लैंग्वेज फिल्म है। इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें विद्यार्थ, पूजा और ऐश्वर्या राजेश के साथ साथ और भी कई स्टार नजर आएंगे। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी में रवि एक रेयर कंडीशन से पीड़ित है जिसके कारण उसे अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ती है और उसके पास सर्जरी के पैसे तक भी नहीं है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक मर्डर केस सामने आता है। तो रवि इस मर्डर केस से कैसे जुड़ा है, असली मर्डरर कौन है और ये सारी सिचुएशंस रवि की लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगी, यही सब जानने के लिए मूवी को जरूर देखिए। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर पांच पर है 2014 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक्शन मूवी वन एनो कदाइन, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1 out of 10 और 95% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है।
एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसे हिंदी में एक का दम नाम से डब किया गया है। इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें महेश बाबू, कीर्ति सेनन के साथ साथ और भी कई स्टार नजर आएंगे। गौतम एक रॉक स्टार होता है जिसके पेरेंट्स का उसके बचपन में ही मर्डर कर दिया जाता है और अब गौतम उनसे बदला लेने की कोशिश करता है और इसी बीच वो अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस करता है जिसे और कोई नोटिस नहीं कर पाता। तो इन घटनाओं का क्या राज है और क्या गौतम इन सिचुएशंस में अपने पेरेंट्स के मर्डर का बदला ले पाएगा, तो यही जानने के लिए मूवी जरूर देखें। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये एक मस्ट मस्ट वॉच मूवी है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो मूवीज यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है उनका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।